यहाँ पे 144 लगती है 3 महीने के लिए, फिर से ऑर्डर इशू होता है बिना ऑर्डर के। ये कैसे 1.5 साल से वो चला के रखी है, ये इनका अपना गुंडा कर देता है सही चल रही है। नकते मक्खी रो नहीं देनी, भाजपा जे के एंड से रो नहीं देनी, बस भाजपा गई 9 महीने का वक्त आराम से 9 महीने का आशी। हर उस बंदे के साथ होते हैं जो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट कर सकती है, आप पुल के ऊपर भी नहीं बोल सकते। उनका जहाँ 144 लगी है बीजेपी प्रोटेस्ट करती है, उनको कोई कुछ नहीं कहता। हम प्रोटेस्ट करते हैं थोड़े बंदे लेके एकदम नॉर्मल होकर के, जब हमारे ऊपर कहा जाता है, जब वो लोग उतने फूटते हैं सब कुछ करते हैं, अभद्र भाषा को उपयोग करते हैं, उन पे कुछ नहीं कहा जाता। और आप बताइए इतनी पुलिस हमारे ऊपर क्यों लगाई हुई है? हम क्या कर रहे हैं? हम तो 18 साल के व्यक्ति हैं, ना एमएलए ना कुछ, एक स्टूडेंट है बस। एक स्टूडेंट को रोकने के लिए इतनी पुलिस लगानी पड़ रही है क्या? ये खुद मानते हैं हम एक लीडर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी के लोग डर चुके हैं। अभी रसौरी में अभी जो पूंछ के इलाके में हमला हुआ, आप बताओ 3 में से जो 2 है वो 2 गर्भवती महिलाएं हैं जो शहीद हुए हैं। 2 उनमें से एक भाई जो है उनका जवान, अभी जवान में काम कर रहे हैं, 2 लोग आर्मी के साथ काम कर चुके हैं, और उनके साथ उनको ऐसा मार गया भाजपा की सरकार के अंदर। क्या ये नया कश्मीर है? क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? क्या ये खुशहाल जम्मू और कश्मीर है? हमें ये वाला कश्मीर जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए, हमें पुराना जम्मू और कश्मीर ही लौटना है। देखिए क्यों नहीं डर गई है? आप मुझे एक बात कहो, इतनी तानाशाही इन लोगों ने रखी है, और आप मीडिया वालों को भी कसम है धरती की, न्यूज में ये मत चलाना कि कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ। हम जाते हैं, हम देखते हैं कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ, मीडिया दिखा दे जम्मू का लोग बीजेपी से खुश है। ये मीडिया में प्लग जरूर दिखाना, आप लोग कैप्शन लिखना जम्मू में बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। बीजेपी के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, तुम्हारे साथ ना कश्मीर है, ना जम्मू है, ना हिंदुस्तान का कोई अवाम कोई है। क्या लगता है 144 विपक्षी दलों के लिए? विपक्षी दलों के लिए बस लोगों ने ये गुंडागर्दी यहाँ पे रख के चलिए, जो बीजेपी बोलेगी वही चीज होती रहेगी। कभी हम चाहे के भाजपा को मुद्दा यही है, जो एक तो टोल प्लाजा उसका रेट डबल कर दिया गया। बिल्कुल, क्या ऐसा वक्त नीचे घर पे भी जाने के लिए क्या लग रहा है? आज भी उसी देश में हम रह रहे हैं। लोकतंत्र है हमारा, सामने की बात है, ये देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा, वहाँ से नॉन स्टॉप धक्का मारा जा रहा है हमें, डोगरा की आवाज दबाई जा रही है यहाँ पे। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी हमारा पीसफुल।